प्रियंका गांधी ने मंडला दौरे पर मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना का ऐलान किया था। उनके इस ऐलान के बाद से भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। प्रियंका गांधी के ऐलान के दूसरे दिन ही खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर हमला बोला। इतना ही नहीं, लगातार दूसरे दिन वीडियो जारी कर कांग्रेस की छात्रवृत्ति योजना की कार्ड ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान जारी करते हुए कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो वह लाडली बहना योजना को बंद कर देंगे। इसके पहले भी तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने आदिवासी बहनों को दी जा रही 1000 रूपये की राशि बंद कर दी थी। इसके साथ ही संबल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ ही कई योजनाओं को बंद कर दिया गया था। सीएम शिवराज ने वीडियो जारी करते हुए प्रदेश की लाडली बहनों को चेताया है। अब लाडली बहना योजना भी बंद करने की तैयारी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्वीट किए जा रहे हैं, मामा चुपके से पैसा डाले कहां डालूंगा। ऑन गोइंग स्कीम है, कोई चलती हुई योजना बंद नहीं की जा सकती। लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों का भाग्य है, खुशहाली है, जिंदगी है। पैसे डलेंगे, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये बात सही है कि चुनाव में कोई कार्यक्रम करके नहीं डाले जा सकते, लेकिन लाडली बहना के खाते में पैसा डालना तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुमने कभी कुछ दिया नहीं, तुमने बहनों से छीने ही छीना। पैसे डलेंगे, लेकिन कांग्रेस की नीयत साफ हो गई है। जैसे जूते चप्पल देना बंद कर दिया था, जैसे संबल योजना बंद कर दी थी, जैसे बेटियों की शादी बंद कर दी, पैसे ही नहीं दिया, और जैसे देगा भारिया सहरिया बहनों का पैसा बंद किया था, वैसे कांग्रेस अब लाडली बहना योजना बंद करने की तैयारी कर रही है। मैं सावधान करना चाहता हूं प्रदेश की बहनों को, इनके इरादे देख लीजिए। ये तो बहन विरोधी भी है, गरीब विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है। यही है जिन्होंने सिद्धानु सोलंकी जी, स्वर्गीय सिद्धानु सोलंकी जी और जमुना देवी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जनता को सावधान रहने की जरूरत है।